सीआरपीएफ ड्राइविंग टेस्ट भी आज इन बच्चों का हुआ है और ये क्वालिफाई वाले बच्चे हैं। सुबह से शाम तक जो ड्राइविंग टेस्ट में हुआ है उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है, मैंने सबसे पहले जाट देवता तेजाजी महाराज की जय हो। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी एंट्री हुई थी सर सुबह 5 बजे। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैठाया गया, हमारे जो सीरियल वाइज है उस हिसाब से। उसके बाद सर चेस्ट होता है, वेट होता है, हाइट होती है। उसके बाद हमें रनिंग ट्रैक पर ले जाया गया। उसके बाद सर रनिंग हुई, हमारा बेस्ट था 30 का, उसमें से सर 20 बंदे दौड़ में क्वालिफाई हुए, 10 डिसक्वालीफाइड हुए। उसके बाद जैसे जैसे आगे 40 बंदों का ग्रुप हुआ, उसमें 20 डिसक्वालीफाई हुए, 20 क्वालिफाइड हुए। जैसे तीसरा बैच हुआ उसमें सर डिसक्वालीफाइड की संख्या बढ़ती गई। धूप ज़्यादा हो गई ना सर, गर्मी वजह, उमस भी थी इस बारिश की वजह से। हाँ सर, हाँ ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपका ड्राइविंग टेस्ट हुआ तो उसमें आपसे क्या क्या करवाया जा रहा है? सर ड्राइविंग टेस्ट में सबसे पहले तो वो एक लिखित रूप से सर कुछ वो पर्सन देते हैं, उसमें 100 शब्द लिखने को कहते हैं। वो सर पाँच नंबर का है। उसमें बच्चे ये मान लो वो सर क्वालिफाइड, उसमें ये है कि ये 2 नंबर कम से कम लाने हैं उसके अंदर। फिर सर उस वो लिखाने के बाद हमें ले जाते हैं सर वाइवा के लिए, उसमें पार्ट्स वगैरह गाड़ियों का नॉलेज वो पूछते हैं। उसके बाद सर गाड़ी में ले जाया जाता है, जिसमें सर एस मॉडल जो ट्रक होता है टाटा एस मॉडल वो चलवाया जाता है सर। ठीक है, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? सर अब देखो हमारे वाले बैच में थे 67 बंदे थे सर, जिसमें 51 क्वालिफाई हुए हैं सर, यानी 16 बंदे अनफिट। सर टोटल 2 दिन का मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, 600 बंदे थे सर जिसमें एबसेंट भी हुए हैं और कुछ इसमें फेल हो गए सर रनिंग में, और कुछ हो गए इसमें ये अपना टेस्ट में। टोटल बंदे जो पास हुए 600 में से सर ओनली 115 हुए हैं। 115 ही? हाँ सर, 115 बच्चों का ही मेडिकल होगा। 115 का होगा, जिसमें से सर 64 का आज हो गया। अब कल आपको यहाँ मेडिकल के लिए बुलाया है, कितने बजे जाना है? 6 बजे सर मेडिकल के लिए जाना है। और यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था है? सर रुकने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम स्टेशन के पास है धर्मशाला, बंगाली हिंदू धर्मशाला, वहाँ पे रुके हुए। कितना पैसा ले रहे हैं सर? वो पर बंदे के हिसाब से सर, जैसे मेरे पास थोड़ा ठीक कमरा है, मैं 300 रुपये रह रहा हूँ, ये भाई 200 रुपये में रह रहा है, मतलब वो तो जैसा कमरा वैसा पैसा। आप इतना बता दीजिए, आप लोगों का स्कोर बता दीजिए। आप बताइए अपना स्कोर कितना है? सर मेरा 66 है। 66 है, कैटेगरी? EWS। आपका? मेरे सर पूरे 70 हैं। 70। कैटेगरी? OBC सर। आपके? 75 है OBC कैटेगरी से। और आपका? 78 है मेरे। 78 है। तो मेरे को आप बताइए, जैसे लाइसेंस के बताइए, लाइसेंस के बारे में आप पूरी डिटेल दे। 1 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए हेवी लाइसेंस, मतलब 1 अगस्त 2023 से पहले का लाइसेंस है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, आउट। चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए भी धन्यवाद। हमारे गांव से सर बहुत आए अमित सर के पास, प्री मेडिकल के लिए बहुत फायदा पहुंचता है, और मैं चाहता हूं वो जाएं प्री मेडिकल।